सरकार द्वारा डिनोटिफाइड किए जा रहे संस्थानों के निर्णयों के विरोध में भाजपा प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से विरोध जता रही है। वहीं शिमला में भी भाजपा मंडल ने संजौली में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद और भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अभियान की अध्यक्षता मंडल महामंत्री गगन लखनपाल द्वारा की गई। डिनोटिफाई की गई संजौली चौक के समक्ष आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं से स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस हस्ताक्षर अभियान के बाद 25 फरवरी से प्रदेश भर में रैलियां व प्रदर्शन किए जाएंगे। भाजपा सह मीडिया प्रभारी करनंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफिकेशन एक्सप्रेस नाम की सरकार चल रही है। जब से ये सत्ता में आए हैं प्रदेश में 620 से अधिक कार्यालय डिनोटिफाई कर दिए हैं और इन कार्यालयों के खुलने से जनता को बहुत लाभ हो रहा था। उन्होंने कहा कि कार्यालयों को जनता की मांग पर खोला गया था और सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदेश सरकार से लेने के बाद इन्हें खोला गया था। अगर प्रदेश सरकार के यही हाल रहे तो बड़ी जल्दी प्रदेश सरकार को जनता ही डिनोटिफाई कर देगी। PLTV के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।